हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। देख सकते हैं अभी हम अपने पेट हाउस में मौजूद हैं और अपने पेट हाउस के लिए आज हम लोग को एक नया सामान लाने जाना है। ये एक ऐसा सामान है जिसके लिए हम कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो सामान है जो हम लाने जा रहे हैं उसके बारे में आपको अंकित भी बताएगा। अंकित से बात करते हैं। हम लोग अभी लाने जाएंगे पुआल, जो कि गर्मी और बच्चे के लिए बहुत से गर्मी काफ़ी आ रही है और मौसम भी एकदम काफ़ी ख़राब हो रही है। गर्मी से इंसुलेशन करेगा इसके ऊपर पुआल डाल देंगे तो, और बारिश से बचाएगा, पलाई अंदर का ख़राब नहीं होगा, पानी अंदर तक जाएंगे नहीं और बच्चे को कुछ हो नहीं पाएगा और खरगोश का तबीयत ख़राब नहीं होगा, गिनी पिग का भी तबीयत ख़राब नहीं होगा। तो उसी के लिए हम सोच रहे हैं कि पुआल लेके आ जाए। तो पुआल लेके आना बेटर रहेगा कि कुछ और बताइए? पुआल ही लाना ज़्यादा बेटर है क्योंकि हम लोग को नीचे भी बिछाना होगा। नीचे बिछा देंगे तो इन लोगों को घोंसला उसला बनाने में मदद मिलेगा, इसीलिए आज चलते हैं हम लोग पुआल लाने के लिए। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, दिखाते हैं हम आपको कौन सा पुआल, वहाँ जाकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा पुआल हम लोग लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पीछे पूरा पुआल का भंडार है। देख सकते हैं यहाँ भी पूरा इस तरफ बोरा भरा हुआ है, इस तरफ कटिंग पुआल रखा हुआ है और इधर देखिए जो बिछा हुआ है उस पर हम लोग थोड़ा सा गौर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को बिछाने के लिए चाहिए। तो हमको लगता है कि ये खुला वाला ज़्यादा बेहतर होगा वो कटिंग वाला से, क्योंकि कटिंग वाला हो सकता है कि चुभ जाए। हाँ, तो हम लोग चुभ सकता है, बच्चे को नुकसान ही पहुंचा सकता है। बच्चे का स्किन एकदम सॉफ्ट रहता है, हल्का सा भी कट खुट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग ये सॉफ्ट वाला लेने की कोशिश कर रहे हैं। यही वाला सोच रहे हैं एक बंडल ले लें, क्या बोलते हैं? इसी को ले लेते हैं एक बंडल। ये क्या है, बिछा देंगे तो वहाँ पर जो है खरगोश बच्चा वगैरह जो भी देंगे तो इससे घोंसला भी बनाएंगे और इसमें जो है चुभने का भी कोई डर नहीं है। छोटे छोटे बच्चों का नाजुक शरीर होता है तो चुभेगा भी नहीं। तो देख सकते हैं ये एक बंडल हम लोग ले लेते हैं और ये हम लोग का छत का ऊपर भी काम आ सकता है। बारिश टूट जाता है तो ये मोटर है और गर्मी से इंसुलेशन भी अच्छा कर सकता है ये। तो इसको ले छत पे बिछा देंगे तभी का मौसम के हिसाब से गर्मी भी कम लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स ले चलते हैं इसको और फिर वहाँ जाके हम लोग सेट करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स काफी मुश्किल के बाद देख सकते हैं अंकित पीछे बैठा हुआ है। इसको बहुत भाई लंबा करके लाना पड़ा था, इसको सुला के लाते हैं तो अगल बगल का आदमी सब कुत्ता छोड़ रहा था और वो भी हम लोग को मेन रोड से आना पड़ा, छोटा गली से आ नहीं पाया इसको लंबा करके लाने के चक्कर में। लेकिन थोड़ा मुश्किल हुआ लेकिन हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पेट हाउस में। अब लेके चलते हैं इसको पेट हाउस में ऊपर। तो फ्रेंड देखिए कितना मेहनत से उठा करके हम नीचे से ऊपर लाए हैं जाली, ये पुआल को। कौन लाए? हम लाए हैं, आप नहीं लाए हैं। देख सकते हैं हम लाने के बाद यहाँ अंकित थोड़ा सा उठा के दिखा रहे हैं। झूठ, सरासर झूठ, हम उठा के लाए, आप लोग पूरा वीडियो में दिख रहा है, जरा सा भी हाथ भी नहीं लगाए हैं, ये इतना झूठ बोलते हैं कि कुछ बोलने का नहीं। कोई बात नहीं फ्रेंड, पुआल है, कुछ ज्यादा भारी नहीं होगा। हम आपको अभी उठा कर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिए नहीं उठ रहा। देख सकते हैं फ्रेंड थोड़ा सा भारी है लेकिन कोई बात नहीं, ये आ चुका है हमारे पेट हाउस में पुआल और ये पुआल अभी बिछेगा रेबिट हाउस के अंदर और रेबिट के छत के ऊपर, दोनों जगह। तो देखते हैं अगर ये कम पड़ेगा तो हम फिर ले आएंगे, फिलहाल हम पहले अंदर डालेंगे। अंदर तो हल्का हल्का ही लगेगा तो छत के ऊपर ज्यादा लगेगा। हाँ, छत के ऊपर इसलिए ज्यादा लगेगा ये छत काफी बड़ा है और हमको पूरा कवर करना है तो करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम दोनों को, क्योंकि मौसम यहाँ पर चेंज हो चुका है, थोड़ा थोड़ा मौसम में बदलाव आ चुका है, इसीलिए अब हम क्या है यहाँ भी देखिए गेट को बंद करके रखेंगे ताकि जो है किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो जो कि हो चुका है। और इधर भी देखिए इन लोगों को, इसको जगह को यहाँ भी पैक करेंगे क्योंकि जो है ये खुला जगह है तो ये लोग भी बाहर घूमते हैं, बच्चे लोग भी बाहर घूमते हैं। तो आइए हम लोग सारा काम को कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर अंकित देखिए गेट को फिक्स करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर जाली काट के अभी तार बांध देते हैं कि मुर्गी लोग और बच्चे लोग सही से इसमें अगर पल पाए बाहर से कुछ जानवर लोग इसके घुस में अटैक न कर पाए, इसके लिए बांधना जरूरी है, ये टूट गया। और इन लोगों को अब बंद रखना भी जरूरी है क्योंकि अब इन लोगों को बंद रख के हम लोग सेफ्टी के साथ रखें। अभी आपने देखा था कि मुर्गी किस तरह से बाहर चले जाती है, तो मुर्गी अभी देखिए इस जगह पे है और मुर्गा भी यहाँ है और सारे बच्चे इस घड़े के अंदर में है। तो अभी हम पूरा परिवार अंदर है तो हम लोग इसको बंद कर देंगे ताकि जो है ये लोग अंदर ही रहें, खाना पीना अंदर ही ये लोग खा सके और इसलिए गेट को पैक किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ कौन आ चुका है, मिनी ये भी आ चुका है छत पे, पूरा उछल कूद मचा के। देखिए 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 देखिए, दो जगह बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से नहीं नहीं निकलेगा। तो यहाँ देखिए गेट का काम हो चुका है बिल्कुल, अभी गेट को हम लोग पैक कर देंगे और सोच रहे हैं आज लोग बोल देते हैं। हाँ, अभी तो गेट क्लोज कर देते हैं, जिसे ही गेट क्लोज कर दिए आज का ब्लॉग भी यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी अदर ब्लॉग में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय। फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो हौसला जरूर बढ़ेगा हम लोग का भी। जय हिंद।